लिए जाना है, तो मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, अब यही आपको पूरा चाहिए ना। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जेड इंटर डब्ल्यू इंटर करेंगे फिर ठीक है। तीन ऑप्शन है, थ्री और में शेडिंग के लिए है, थ्री ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उसके लिए। इसमें हम तीन ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, एक तो है आपका जेड इंटर डब्ल्यू इंटर जो अभी इस्तेमाल किया, उसका है जेड इंटर ए इंटर, ये है जूम ऑल, और जेड इंटर ई इंटर ये फिट टू विंडो है, जितने भी ड्रॉइंग है आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। अभी हम चलते हैं फिर वापस वही थ्री डी पे, आपको शेल कमांड में प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले कुछ बना लेते हैं, तो फिर हम कल की तरह यहाँ पर पॉली लाइन इस्तेमाल करते हैं, पीएल इंटर किया स्ट्रेट करने के लिए, ऑटो मोड ऑन कर लेते हैं, डायमेंशन दिया इंटर, कोई भी प्रोफाइल बना लेते हैं, लाइन कमांड से जोड़ेंगे, इसको फाइल को क्लोज कर देंगे लाइन कमांड से, और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको प्रिंट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक रीजन में कन्वर्ट करेंगे, आर डी जी इंटर, इसको सेलेक्ट करके सिंगल प्रोफाइल होंगे, यानी पॉली लाइन में आ गया। अब हम इसको रिवॉल्व कमांड से इसको थ्री डी में कन्वर्ट करेंगे, आर ई बी इंटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया इंटर, फिर एक्सिस का स्टार्ट और पॉइंट डिफाइन किया, फिर एंगल ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ पर जाइए आइसोमेट्रिक व्यू में आकर के देखिए आपका ये बना हुआ है। अब आप बोलेंगे कि ये उल्टा पुल्टा व्यू क्या बना हुआ है, तो हम मुझे इसको टॉप पे नहीं बनाना चाहिए था, इसको फ्रंट पे बनाना चाहिए था, तो फिर मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर गया और फ्रंट व्यू पे जाकर के इसका जो एलिवेशन छुपा दिया। अब आइसोमेट्रिक पे जाकर के देखेंगे ये प्रॉपर डिस्प्ले करेगा। अभी बीच में जो हमने प्रोफाइल बनाया था वो भी है, उसको डिलीट कर दिया। अभी विजुअल स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से आप कॉन्सेप्चुअल व्यू देखेंगे, ये 3D का व्यू है। अब इसको हम शेल कमांड इस्तेमाल करके हॉलो बनाएंगे, 3D टूल्स पे जाइए, शेल ऑप्शन लीजिए, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद फेस पे क्लिक किया, इंटर किया, उसके बाद थिकनेस डिफाइन कर दिया, इंटर कर दिया और फिर एग्जिट कर दिया ठीक है। अब यहाँ पर है स्लाइस कमांड, तो अभी मैं स्लाइस कमांड के बारे में बता रहा हूँ, इसको प्रॉपर आइसोमेट्रिक हमने कर लिया। स्लाइस कमांड के लिए या तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन लीजिए, नहीं तो एस एल इंटर करिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, इंटर करिए ठीक है। फिर आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्लेन का, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, नीचे देखते हैं डिस्प्ले करना है यहाँ पर कमांड विंडो पे। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं है ना, तो हमने काम में क्या किया, एक्स वाई प्लेन ले लिया, ये एक्स वाई इंटर। अब आपसे पूछेगा कि स्पेसिफाई पॉइंट और एक्स वाई किया, तो हमने ये पॉइंट मान लिया कि डिफाइन कर दिया गया, हमने तो यहाँ से कट चाहिए, वहाँ क्लिक कर दिया। अब आपसे पूछेगा बोथ साइड चाहिए, तो बी इंटर करिए बोथ साइड के लिए। अब एम इंटर करके इसको मूव करके देखिए, फिर भी सॉलिड इंटर, अभी आधा आधा कटेगा,
ये स्लाइस का मान है, पूरा 50-50 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इंटरफेरेंस का फ्लिप फ्लिप कमांड आप देखे थे, पता है आपको फ्लिप कमांड। आपके पास अगर मान के कोई बॉक्स है ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों डिफाइन करिए बॉक्स में, उसके बाद क्या करना है फ्लिप कमांड के लिए, आप ये ऑप्शन लीजिए, इसके प्रोग्राम पे क्लिक करिए। तो अभी कुछ नहीं है, पहले आपको रेडियस डिफाइन करना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एफ इंटर आर इंटर, आपने रेडियस की वैल्यू दे दी कुछ 3 इंटर, आपको जहाँ भी चाहिए जिस कॉर्नर पे चाहिए कॉर्नर पे क्लिक किया तो वह इंटर प्रेस कर दिया। आया नहीं आया, रेडियस सब पूछ रहा है, मान लिया कि हमने 4 दे दिया इंटर। अब सिलेक्ट एज क्लिक किया आ गया, ठीक है। इसे इसमें हमने एफ एंटर किया तो पूछता है आपसे सिलेक्ट फर्स्ट इंटर, ये अब रेडियस पूछ रहा है, रेडियस हमने दे दिया 5 इंटर। अब एज पूछ रहा है, एज पे क्लिक किया तो वह इंटर, ये फ्लिट कमांड है। इसी के अंदर चैम्फर भी है, चैम्फर के लिए हमने क्या किया था पहले, बी इंटर सी एच एंटर बी इंटर कर दिया, नहीं तो इसका थ्री डी चैम्फर भी यहाँ पर होगा कहीं पे, थ्री डी चैम्फर। तो कमांड पे कमांड से ही कर लीजिए, सी एच एंटर डी इंटर, पहला डिस्टेंस दूसरा डिस्टेंस। अब आपसे बोल रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट एंटिटी, आपने ये क्लिक कर लिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या नेक्स्ट ओके करें, उसके बाद आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, इंटर चैम्फर डिस्टेंस ऑफ द बेस सरफेस, मान लिया 4 इंटर, सेकेंड डिस्टेंस पूछेगा ये आपसे 4 इंटर। अब आप इसको कॉर्नर को क्लिक करिए और इंटर करिए, ठीक है। सेल करने का तो आपको आ ही गया, कैसे करेंगे इसको, सेल कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फेस को सिलेक्ट करेंगे, इंटर, थिकनेस डिफाइन कर देंगे, उसके बाद स्केल, ठीक है। हाँ बेस रखेगा, ये एक तरह से ओपन डब्बा बन गया। अभी मान लीजिए कि हम इसी का कोई फेस ले लेते हैं, इसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए हम यहाँ पर आते हैं टॉप पे आते हैं, कोई भी यहाँ पर 2D एक बना लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ सब बना लेते हैं, ठीक है। अभी इसको एक्सट्रूड कर लिया, एक्सट्रूजन मान लिया था। अभी 3D में आकर के इसको अगर देखते हैं तो ये इस टाइप से बना है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी एक कमांड इस्तेमाल करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यूनियन करके देखते हैं क्या होगा, यूनियन में दोनों एक हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, तीनों करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये वाला अलग है। यूनियन के लिए UNI करिए, चाहे यहाँ पर जस्ट क्लिक करिए, UNI इंटर किया हमने, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया इंटर। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट परिवर्तन क्या हुआ इसमें, तो यहाँ जो इंटरसेक्टेड मटेरियल था वो हट गया, जो एक्स्ट्रा मटेरियल था ना इसमें वो देखिए रिमूव हो गया। फिर वापस आते हैं,
देखते हैं सर्वाइव करने में क्या होता है। ठीक है, हाँ उसको कट कर देगा, पहले आउटर को सिलेक्ट किया इंटर, फिर अंदर वाले को सिलेक्ट किया इंटर, ये इस टाइप से कट गया। ठीक है, वापस आते हैं, अब इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्ट। इसके लिए क्या करेंगे, आई एन इंटर किया, इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया इंटर, ये देखिए हाँ जो फॉर्म पार्ट है दोनों में वो रह गया बाकी गया। ठीक है, एक्सट्रूड फेसेस क्या है, मान लीजिए कि आपका ये एक्सट्रूड फेस है, ये फेस को एक्सट्रूड करने का है, तो आपने सेलेक्ट किया इसके बाद इंटर, आपसे पूछ रहे हैं कि हाइट को मान लिया कि हमने 10 फीट के लिए, एंगल 0 इंटर, बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड फेस का काम है। ठीक है, तो आप ये सब पे करिए और बिल्डिंग का कुछ बनाइए, ये कमांड तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इस कमांड का अच्छे तरीके से। अभी तक तो ये सारा मैंने बता दिया आपको, तो ये सारे कमांड का इस्तेमाल करके मस्त 3D एक बनाइए बिल्डिंग का, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, ये जो भैया रिकॉर्डेड वाला जो है ये मैं आपको भेज दूँगा। ठीक, मेल पे।